मनीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का ये कहा जाता है बीमारियों से प्रिवेंशन दे सकता है, क्योर नहीं कर सकता। लेकिन आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं, हर तरह के कैंसर तक के पेशेंट आते हैं, तो किस तरह से इलाज किया जाता है कि आयुर्वेद के द्वारा उनको समाधान मिल रहा है, ठीक हो रहे हैं? देखो, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार चिकित्सा, ये एक ही है बेसिकली, जी नाम अलग अलग हैं। बेसिकली क्योर कोई नहीं कर पाता, हमारी बॉडी के पास ही वो पावर है। जैसे आमिर जी मुस्लिम धर्म से हैं तो इनके यहाँ कुरान चलती है, हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो हमारे यहाँ भगवत गीता वेद चलते हैं। वेदों में पढ़ो, चाहे कुरान में पढ़ो, या गीता में पढ़ो, या बाइबल में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, हर जगह पे भगवान ने इंसान को अपना बच्चा बताया है, अपनी संतान बताया है। बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बताया है, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही बताया है, और कुरान में भी इनको अपनी संतान बताया और अल्लाह की प्राप्ति के मार्ग बताए हैं। ऐसे ही हमारे सामवेद में भगवान ने बताया कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, यानी कि हम कौन है, भगवान की कॉपी, छवि यानी कि उसका स्वरूप। ऐसे ऋग्वेद में भगवान ने बोला है, जब मैंने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, तो मैंने एक बेस्ट क्रिएशन करी, इंसान। यानी कि हमें भगवान ने इंसान को बेस्ट बताया। जब हम बेस्ट हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भगवान वाली शक्तियां भी तो होंगी। अगर भगवान वाली शक्तियां हैं तो बीमारी तो हम खुद ठीक कर लेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक ठीक क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि नॉलेज नहीं है, खाना पीना गलत है, लाइफस्टाइल गलत है। आप ये मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले कैंसर कहां था, आज से 40 साल पहले डायबिटीज कहां थी, आज से 30 साल पहले किडनी फेल कहां था, आज से 60 साल पहले बच्चे नहीं होना रेयर किसी गांव में, कोई एक महिला होती थी जिसको बांझ बोलते थे, जिसके बच्चा वो भी 12 साल तक मां ना बने तो उसको बांझ बोलते थे। आज 1 साल तक मां ना बने तो बोलते हैं आईवीएफ कराने आ जाओ। तो कितना ज्यादा मार्केट में बदल गया, और वजह सिर्फ खाना खाना खाना, बस एक ही वजह है, हमारा खाना खाना खाना। एक पिक्चर थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो मैं बोलता हूँ सारी बीमारियों की एक ही जड़ है, खाना खाना और खाना। क्या ये निसंतान जो परेशानी है, संतान प्राप्ति ना हो पाना, क्या ये भी आयुर्वेद से क्योर हो सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद में सबसे पहले हम करते हैं बीज शुद्धि। अच्छा। बीज मतलब शुक्राणु की और अंडाणु की, स्पर्म की, ओवा की शुद्धि, उसको बोलते हैं बीज शुद्धि। फिर हम बोलते हैं गर्भ शुद्धि, फिर बोलते हैं गर्भ धारण, फिर बोलते हैं गर्भ संस्कार, फिर होता है बाल संस्कार। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बीज शुद्धि। आप कुछ भी खाते हो तो शुद्ध करके खाते हो, शुद्ध करके खाते हो, शुद्ध करके। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो बांझपन है या बच्चा नहीं होना, ये कोई बीमारी नहीं है। भगवान तब तक बच्चा पैदा नहीं करने देता जब तक बच्चा स्वस्थ ना हो। अगर आपके अंडाणु में, शुक्राणु में कोई कमी है तो प्रकृति आपको प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगी। अच्छा। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो भगवान को थैंक यू बोलो। अच्छा। कि भगवान बीमार बच्चा, कमजोर बच्चा, दिल में छेद वाला बच्चा, टेढ़े पैर वाला बच्चा नहीं चाहता। तो आपको गर्भ शुद्धि करानी चाहिए। अच्छा। और बीज शुद्धि करानी चाहिए। अच्छा। ताकि वो बीज पहले शुद्ध हो जाए, फिर बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ना उसको। मतलब मैं आपसे कोई चीज मांगू, मैडम मुझे एक कोट दे दो, और ये कोट मान लो उधड़ गया या फट गया, तो आप मुझे दोगे? कि फटा हुआ है, मैं आपको फटा हुआ क्यों दूंगी, नया ला करके दे सकती हूँ। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति बहुत पावरफुल है। सृष्टि तब तक हमें बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं देती है जब तक बच्चा बीमार होगा। आज देखो कितने बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटिज्म वाले, दिमाग से कमजोर, दिल में छेद, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। वजह कि लोग समझ ही नहीं पा रहे, लोगों के मान लो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, डॉक्टर से दवाइयां खा के जबरदस्ती गर्भ को मेंटेन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं? तो बताओ, 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं? तो अलग अलग कहना है आचार्य जी, लोगों का ये कहना होता है कि जो 9 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, उस ब्लड का इस्तेमाल बच्चे को सींचने के लिए हो रहा है। बिल्कुल, वो ब्लड बेसिकली बॉडी की एनर्जी थी। जी, पहले वो एनर्जी अंडे बना रही थी, जब अंडे इस्तेमाल लिए तो 28 दिन बाद वो बह जाती थी। जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल बच्चे को बनाने में लग गया। तो अभी आपको शायद पता हो कि आईवीएफ में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आईवीएफ में जो बच्चे गोद में लेके घूमते हैं लोग, लगभग 60% बच्चे उनके नहीं है।
अच्छा, वो किसी और के मुन्नू टुन्नू है। अच्छा। क्योंकि शुक्राणु किसी और का है, क्योंकि वो पावरफुल नहीं था, डॉक्टरों ने ट्राई किया, वो नहीं प्रेगनेंसी हुई, तो किसी और का शुक्राणु डाला, लेकिन बाद में वो लोग उसको अपना चुन चुने हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जिनके भी बच्चा नहीं हो रहा वो आयुर्वेद में आए, वो गर्भ संस्कार का, गर्भ शुद्धि का, बीज शुद्धि का, गर्भ धारण का, बाल संस्कार का, मतलब ये 5 स्टेप्स है। पहले बीज शुद्धि, यानी कि बीज शुद्ध किया, फिर गर्भ शुद्धि जिसमें बीज को ठहरना है, फिर गर्भ संस्कार, गर्भ धारण, धारण कराना, फिर गर्भ संस्कार 9 महीने उसका पोषण पालन, फिर बच्चा पैदा होने का बाल संस्कार कि बच्चे को अब कैसा बनाना है, यानी कि बच्चों के बचपन में जो चीजें, बचपन में याद करो जब बच्चा पैदा हो जाता था हम मुगली गुटी पीते थे, स्वर्ण प्राशन करते थे, आजकल हो ही नहीं रहा। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स फॉलो होंगे तो देश का एक एक बच्चा स्वस्थ होगा।